Srimati Chhaya Verma. With this, I support the bill. Please. धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण बिल में मुझे आपने बोलने का मौका दिया समय बता दो तीन मिनट बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ 30 वर्षों बाद यह बिल आया है और निश्चित रूप से जब इतने लंबे अंतराल के बाद कोई बिल आया है तो उसमें बहुत सारे बदलाव होना लाजमी है इस बिल में आज स्थिति यह हो गई है कि हमें अपने मोटरयान की आयु निर्धारित करनी पड़ रही है जो प्राइवेट मोटर है उसका आयु 15 वर्ष है और जो सरकारी मोटर है उसकी आयु 10 वर्ष हो गई है आज हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में सड़कों में 5 लाख दुर्घटना हुआ जिसमें 1.5 लाख लोगों की मौत हुई माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं उसमें 2020 में वो कह रहे हैं इस बिल में कि 50% दुर्घटना खत्म होगा लेकिन दुर्घटना कैसे आप खत्म करेंगे उसके बारे में इस बिल में कहीं कोई उल्लेख नहीं है मंत्री जी ने इसमें बहुत सारे नियम ऐसे बताए हैं जो राज्य सरकार के अधीन है राज्य सरकार को पावर दे रहे हैं लेकिन इस बिल में कहीं पे ये उल्लेख नहीं है कि आप राज्य शासन को कितना अनुदान कितना पैसा कितनी धनराशि मुहैया कराएंगे उसका इस बिल में कहीं उल्लेख नहीं है जब वाहन का बीमा होता है तो जिस समय जब आप लाइसेंस जारी करते हैं तो आज सड़क जाम हो रहा है क्योंकि आप हर दिन बहुत लाइसेंस दे रहे हैं आप निश्चित सीमा निर्धारित करिए कि कितने वाहन सड़कों में चलेंगे उतने का ही बिक्री करिए उतने का ही लाइसेंस दीजिए तो ये जो सड़कों में जाम की स्थिति निर्मित होती है वो नहीं लगेगा मैं सदन को बताना चाहूंगी कि यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता 20 मिनट का है लेकिन सड़क जाम होने के कारण हमें कभी कभी 2 घंटा लग जाता है और हमारी फ्लाइट छूट जाती है आपने जरूरत से ज्यादा वाहनों का पंजीकरण कर दिया है जरूरत से ज्यादा वाहनों को सड़कों में ला दिए हैं इसलिए ये स्थिति निर्मित हो रही है जहां तक ड्राइवरों की बात है ड्राइवर के काम के घंटे भी निर्धारित नहीं है इसलिए दुर्घटना बढ़ते जा रही है तो ड्राइवर स्कूल अलग से होना चाहिए और उसके काम करने के घंटे भी निश्चित होना चाहिए जब हम कोई भी वाहन खरीदते हैं तो उसका 1 साल के लिए पंजीयन होता है थर्ड पार्टी बीमा जो होता है उसको पूरे उस वाहन उस गाड़ी के उम्र तक का होना चाहिए एक ही बार में पूरे समय का लाइसेंस बीमा हो जाना चाहिए जिससे हमको फायदा ये होगा कि अगर 1 साल के लिए करते हैं और कोई दुर्घटना होती है तो उसका बीमा का फायदा हमें नहीं मिलता क्योंकि उसका बीमा नहीं हुआ है एक ये फायदा होगा दूसरा जब बीमा जब पूरे समय के लिए करेंगे तो जो बिचौलिए रहते हैं जो बीमा एजेंट रहते हैं उसके उससे भी हमारी बचत होगी और समय की भी बचत होगी इसलिए लाइफ टाइम आप वाहनों का बीमा कराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये मैं कुछ संशोधन चाहती हूँ आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद छाया जी